नमः शिवाय। दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन क्या हम अकेले रह जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब जिंदगी है, उस जिंदगी में हमने बहुत कुछ करना है, और भगवान का साथ हमारे साथ है। भगवान गणेश और भगवान महादेव, ये हमारे साथ हैं। मैं आपको दो गुड लक दोस्त बताता हूँ, जो आप कीजिए तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, चाहे आप घर में हो चाहे आप घर के बाहर हो। आपने क्या करना है कि एक कागज लेना है, प्लेन कागज लीजिए, हैंडमेड लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी बुधवार वाले दिन आपने ये कागज हाथ पे रखना है और इस उंगली से इसके ऊपर स्वस्तिक बनाना है। हल्दी लीजिए, हल्दी का स्वस्तिक बनाइए, उस कागज को लेमिनेट करा लीजिए, छोटा सा ले लीजिए, छोटा सा स्वस्तिक बना लीजिए, फोल्ड नहीं करना है इसको। इसको बना के, स्वस्तिक को बना के आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, आप अपने लैपटॉप बैग में रख सकते हैं, आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं। वॉलेट भी अगर कहीं वॉशरूम में जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना वहम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हम ज़रूरी चीज़ों के लिए वॉशरूम जाते हैं तो साफ सफाई का ध्यान तो रखते ही रखते हैं। तो पहला जो दोस्त हुआ आपका, हल्दी का स्वस्तिक हुआ, कि किसी भी बुधवार वाले दिन आप बनाएंगे तो बहुत शुभ रहेगा, और रख भी बुधवार वाले दिन लीजिए। इतना ध्यान दीजिएगा कि बनाते समय आपका जो समय है वो राहु काल नहीं होना चाहिए, शुभ काल होना चाहिए। तो शुभ काल में बनाया गया ये स्वस्तिक आपको हमेशा और हमेशा जो है धन और धान्य देगा। इसके साथ साथ हम डिस्कस करते हैं कि भगवान गणेश के साथ हमने स्वस्तिक का प्रयोग किया, और अब हम भगवान शिव की बात करते हैं। धतूरे का फल आपने कभी भगवान को चढ़ाया है? धतूरे का जो फल होता है उसको पूजा करके भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। पूजा किस प्रकार की जाती है, उसके ऊपर आप थोड़ी सी अदरक डाल सकते हैं और वो भगवान शिव पर आप अर्पित कर सकते हैं। धतूरा रखे रहने दीजिए, भगवान से हटा करके साइड कर लीजिए, धीरे धीरे वह फल सूख जाएगा। इस फल को जब सुखा लेंगे तब उसके अंदर जो बीज होंगे वो बीज आप एक पॉलिथिन में या एक कपड़े के पाउच में भर के अपने पास रख लेंगे। भगवान शिव का जो आशीर्वाद आपको मिलेगा वो अमूल्य है, आपको खुद महसूस होगा कि एक शक्ति आपके पास है। नमः शिवाय।